सर्विस में आप सभी माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जवान सबों का हम आज की आराधना में हृदय से स्वागत करते हैं। आज का रविवार, जिसे हम लोग एक सऊदी रविवार के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है मेरी सुन, और परमेश्वर पिता आज के वर्तमान जीवन में हमसे निवेदन करता है कि हम उसकी आहट को सुने और उसके पीछे चले आए। आज के वचन को हम लोग आह्वान के रूप में सुनेंगे और वो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 81 पद संख्या 1 और 2 पद। भजन संहिता भजन नंबर 81 पद संख्या 1 और 2। परमेश्वर का जीवित वचन यूं कहता है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ डब और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। आमीन। साक्षीवाणी से गीत गाएंगे, गीत संख्या 312।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से एक साथ मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धार्मिक यीशु ख्रीष्ट, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। सबों के संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सच इकलौते पुत्र, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज देने की वाचा दी है, और हम इसी तेरी प्रतिज्ञा पर आसरा करके दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि शांतिदाता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर कि हम तेरे निर्मल सच्चाई को बिना डर मान ले, उसके कारण आनंद से दुख भी उठाए, तुझ में और तेरे वचन में नित्य ठहरे, और दुख और सुख में तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते रहे। आमीन।
पवित्र दिन में परमेश्वर के वचन को पहले पाठ वचन के रूप में सुनेंगे और वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 33 से 39 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 33 से 39 पद तक। परमेश्वर का वचन इसमें यूं हमें मिलता है, इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, या कहां जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वह उसके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं, या यूनानियों को भी उपदेश देगा? या क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु ना पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते? पर्व की अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पानी पर थे, क्योंकि पवित्र अब तक उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। समस्त क्रिश्चियानी कलिसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहे, मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, प्यांतुस प्लात्रुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीतो और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलिसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। बैठ जाए। हम लोग आराधना के क्रम में साक्षीवाणी से दूसरा गीत गाएंगे, गीत संख्या 285 285। क्या मनोहर भली बात, जहां भाई हाथों हाथ चलते हैं और है एक प्राण ख्रीष्ट की आज्ञा के समान। Thank you.
पिता और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो प्रभु के आज की स्थिति में हम सब आ पाए हैं। इस समय तेरे वचन सीखना चाहते हैं तो आप पवित्र आत्मा हम सब उससे बातें कर कि हमारा विश्वास ख्रिस्त में और दृढ़ाया जा सके। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम अगुवाई लें। मनन के लिए जो परमेश्वर वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है पहला पत्रस उसके चौथे अध्याय पद 7 से लेकर पद संख्या 11 तक। पहला पत्रस 4:7 से लेकर 11 तक परमेश्वर का वचन इसमें यो लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की बहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ्य युगानुयुग उसी की है। आमीन। मंडली बैठ जाए। ख्रिस्त में प्यारों, आज हम लोग जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं इसके विषय में हम लोगों ने कभी कल्पनाएं भी नहीं की थी। बीते समय के जो भी इतिहास हमारे संग रहे, हम लोग किताबों में पढ़े होंगे या बहुतों से सुने होंगे कि पहले भी महामारी संसार पर अनेक स्थान पर आई और किस प्रकार लोग हताहत हुए। परंतु जब हम लोग अपने आसपास में, अपने परिवार में, अपने पड़ोसियों में इस प्रकार की घटनाओं को देख रहे हैं जिसको हम लोग चाहते नहीं थे, तो हम लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, और ये कामना करते हैं कि यह जो दुखद परिस्थिति हमारे घरों से, हमारे परिवार से, हमारे पड़ोसियों से, हमारे समाज से हट जाए। बहुत सारे लोगों ने इस महामारी में अपने परिवार के लोगों को खोया है। किसी परिवार ने एक को खोया है, किसी ने दो, किसी ने तीन को खोया है, और बहुत सारे आज ऐसे भी हैं जो अस्पताल में इलाजरत है या फिर घरों में है यह उम्मीद में कि वे एक दिन ठीक हो जाएंगे। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को देखता है और उसकी इच्छा है कि हम लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर ने हमारे लिए ख्रिस्त में एक अद्भुत वरदान रखा है और वह है पुनरुत्थान की आशीष। हम सभी ख्रिस्त विश्वासी यह मानते हैं कि हम जी उठेंगे और जो परमेश्वर की योग्य चाल चले रहेंगे, अर्थात जो यहां से तैयारी होकर विदा होंगे, अर्थात पश्चातापी हृदय लेकर वे जी उठेंगे ख्रिस्त के उस राज्य में प्रवेश करने के लिए। और हम सबों को भी इसी मार्ग पर बढ़ना है तैयारी पूर्वक कि जब हम इस संसार को छोड़ें तो उसके बाद हम लोग पवित्रों की संगत में पहुंच जाए जिसके लिए हम सभी को बुलाए गए हैं। हमारे जो परिवार के लोग, मित्रगण, पड़ोसी या ऐसे लोग जो हमारे हृदय के करीब थे, या हमारे ऐसे लोग जिनको हम लोग विदा करना नहीं चाहते थे, जो हमसे मृत्यु के द्वारा अलग हो गए, हम उसे संसार पर दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं, परंतु हम वहां जा सकते हैं जहां पर परमेश्वर ने हम सबों को बुलाया, अर्थात उस झुंड के भी पहुंच सकते हैं जिसकी चर्चा प्रकाशित वाक्य उसके 7वें अध्याय में की गई है। एक बड़ी झुंड की चर्चा की गई है जो कि परमेश्वर पिता और मेमने अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त के सम्मुख खड़ी है। हर एक जाति और कुल के लोगों में से जिनकी संख्या
हजारों लाखों की है, अनगिनत है। जो हम पहुंचेंगे उनके लिए जो मूल विषय है वहां लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 7:14 में लिखा है, उसमें लिखा है ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किया, अर्थात ख्रिस्ट के लहू के द्वारा वे शुद्ध करके वहां पहुंचे हैं। ख्रिस्त में प्यारों, हमारे जीवन का लक्ष्य वही है कि जब इस संसार को छोड़ें हम सभी को वहां पहुंच पाए। इस जीवन यात्रा में हमारे लिए बहुत ही आनंद का समय होता है, दुखद भी अनुभव होता है, और जैसा भी हमारा जीवन चले हम लोग चाहते हैं कि हमारा अंत भला। आज के वचन में जिनको हम लोगों ने सुना इस समय, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, सबका अंत होगा। हमें तैयारी पूर्वक प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ना है, और उसमें लिखा हुआ सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हमारा जो मूल पहचान है, कलीसिया का जो मूल पहचान है, वह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाया गया, जिस रात उसने पवित्र व्यारिता प्रभुज को ठहराया, उस बैठक में उसने एक बात और कहा, और उसने कहा अपने चेलों को कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जिससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। कलीसिया का जो मूल पहचान है वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारी पहचान अनेक प्रकार से भी होती है, इस प्रकार से भी होती है कि हम ख्रिस्त विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग, हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, हम लोग इतवार को रोज गिरजा आराधना में शामिल होते हैं। कभी कभी हमारे नाम ऐसे होते हैं कि लोग आसानी समझ पाते हैं कि ये तो ख्रिस्त विश्वासी हैं। निश्चय ये भी हमारी पहचान देती है, परंतु जो बाइबल में वर्णन किया गया है जिस पहचान के विषय में, वह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आज की इस महामारी के समय में परमेश्वर ने हमारे लिए अवसर दिया है कि हम इस प्रेम में और मजबूत होते आगे बढ़ते चले जाएं। जब इस महामारी से हम लोग जूझ रहे थे, या कहा जाए अभी भी जूझ रहे हैं, तो बहुतों ने ऐसे प्रेम का अनुभव किया जो लोग पहले नहीं किए थे। बहुतों को पड़ोसियों ने मदद किया, कितनों को रिश्तेदारों ने, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको ऐसी मदद मिली अनजान व्यक्तियों के द्वारा जिसको वे महामारी से पहले नहीं जानते थे। परमेश्वर इसके द्वारा पड़ोसी प्रेम में हमें आगे बढ़ा रहा है। कुछ ऐसी भी घटना है कि लोग ऐसे लोग हमारी मदद किए होंगे जिनके विषय में हम लोग उतना भला नहीं सोचे, ऐसा सोचते हो कि पता नहीं यार कभी जीवन में मेरा मदद करेगा या नहीं, या फिर हम लोग कुछ और भी नकारात्मक विचार रखे। लेकिन जब अभी अवसर मिला तो बहुतों ने उस प्रेम को पाया जो कि हमारे मदद करने वाले हमारे लिए सोच कर रखे थे, हमारे लिए अच्छा रखे थे। इन सब घटनाओं के द्वारा परमेश्वर हमें प्रेम में आगे बढ़ा रहा है। आज न्यूज चैनल और बहुत सारे स्थानों में चर्चा होती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंसानियत को समझे, एक दूसरे से अच्छा संबंध बनाकर रखें। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखें। एक धार्मिक व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा, और वह सवाल था सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। उसके जवाब में ख्रिस्त ने पुराने नियम में जो लिखा हुआ है उसी को उद्धरण करके बताया, और कहा कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन बल शक्ति से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22वां अध्याय में लिखा हुआ है। परमेश्वर का एक उपयोगी जन जो कि उसके
सुसमाचार प्रचार में इस्तेमाल किया गया पौलुस। जब प्रभु यीशु मसीह ने यह शिक्षा दिया अपने चेलों को, यह चेलों के समूह उस समय वह उपस्थित नहीं था, परमेश्वर ने उसके लिए भी प्रबंध किया। दमिश्क के मार्ग पर जब वह कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, प्रेरितों का नवा अध्याय में लिखा हुआ है, उसने अद्भुत ज्योति का अनुभव किया और वह गिर गया। और प्रभु यीशु मसीह ने, जो कि परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठ चुका था, उससे बातें किया और कहा था कि हे साऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और ख्रिस्त ने उसे बहुत सारी बातें की, जो कि हम लोग प्रेरितों का 22वां अध्याय 26वां अध्याय में पाते हैं। पौलुस अंधा हो चुका था और बाद में हम लोग पाते हैं कि दमिश्क पर जब वो प्रार्थना कर रहा था तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम अनाया था, जिसे यीशु ने दर्शन में अगुवाई देकर भेजा था। वह आकर उस पर चंगाई की घोषणा करता है और पौलुस चंगा हो जाता है। पौलुस प्रेरित को परमेश्वर बहुत बड़ी बात बताया, शब्दों के द्वारा नहीं परंतु अनुभव के द्वारा, और यह बताया कि पड़ोसियों से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह पौलुस को उसी समय चंगा कर सकता था जब वह अंधा हुआ था, परंतु उसके लिए चंगाई यीशु ने जो ठहराया था वह उससे बढ़कर था। पौलुस को तो यीशु की चंगाई मिल ही गई, लेकिन उस भले कार्य में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया। इसके द्वारा परमेश्वर पौलुस को बता रहा था कि तू अपने परमेश्वर सारे मन बल शक्ति से प्रेम रख, जो कि पौलुस कर रहा था। और अब ख्रिस्त को अनुभव करके जाना कि मैं ख्रिस्त में होकर ही परमेश्वर को समझ पाऊंगा, और वह उसमें बढ़ रहा था। और उसके बाद यह भी प्रकट किया कि तुम आपस में प्रेम रखो। परमेश्वर कलीसिया के हर एक जन को यही शिक्षा देता है। हम जैसा भी पृष्ठभूमि से होकर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में अंतकरण में अपनी आत्मा के द्वारा यह प्रकट करता है कि हम अपने सारे मन बल शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखें और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। मसीह में प्यारों, यदि हम लोग किसी के विषय में बुरा सोचे थे, और इस लॉकडाउन के समय में या महामारी के समय में जब हमें हमारे विचारों से हटकर कुछ हमें मिला है, तो निश्चय अपने हृदय को टटोल कर देखना है, क्षमा मांगना है परमेश्वर से और कहना है कि हे प्रभु, मैंने इनके विषय में ऐसा सोचा था, परंतु यह तो मेरा भला ही चाहा, ये पछताव है। इस प्रकार परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है, और कलीसिया का यही पहचान है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आगे वचन में लिखता है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के लाए एक दूसरे की सेवा में लगाए। परमेश्वर जो हमारे जीवन पर दिया है उसको उसकी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करना है। लिखता है कि जो कोई बोले, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। महामारी के समय में हम लोग एक दूसरे के सोधी ले रहे हैं, अपने मित्रों के, पड़ोसियों के, कुटुंबियों के, कलीसिया के भाई बहनों के, बहुतों के हम लोग हालचाल पूछ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसके द्वारा हमारा आपसी संबंध और मजबूत होता है। परंतु यदि सांसारिक रूप से केवल शोक करें कि हम तो बीमार हैं या बीमार है जल्दी ठीक हो जाइए, या फिर किसी के गुजर जाने पर हम लोग केवल विलाप करें, तो एक ख्रिस्ट विश्वासी होकर हमारा क्या कार्य अधूरा रह जाता है। क्या वचन में जैसा लिखा है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, उत्पत्ति 12वां अध्याय में लिखा है कि तू तेरे द्वारा जगत के लोग आशीष पाएंगे, अर्थात
जो भी परमेश्वर की आशीष पाता है वह इस योग्य हो जाता है कि वह परमेश्वर की आशीष को दूसरों तक पहुंचा सके। तो हम जो ख्रिस्त में परमेश्वर की आशीषों को पाए हैं, जब हम एक दूसरे से बातें करें तो हमारे द्वारा जो भी शब्द निकालते हैं, जो भी कार्य होते हैं, उसके द्वारा जिनसे हम संपर्क कराते हैं वह संभाला जा सके। यदि कोई दुखी है तो उसका दुख कम हो, यदि कोई घबराहट में जी रहा है तो उसका घबराहट कम हो, कोई परमेश्वर के वचन के प्रति उदासीन है या समझता नहीं है या उसे दूर भाग रहा है वह परमेश्वर की ओर आने पाए, यदि किसी का प्रार्थना में जीवन कमजोर है तो प्रार्थना बढ़ इस दिशा में हम लोग को बढ़ना है। बहुत बार हम लोग सीधे किसी के साथ जब बात करते हैं, अधिकांश समय होता है कि हम लोग परमेश्वर के वचन सीधे नहीं बात कर सकते हैं, परिस्थिति वैसी नहीं होती है या प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से आना चाहिए कि प्रभु इसे आशीष दे, प्रभु इसे आशीष दे। और जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना बैठते हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनको सोच के रखे हैं, उस सूची में उनको भी डालना है जिनके साथ हम लोग एक साथ प्रार्थना ना कर पाए। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। जब हम अपने किसी प्यारे के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के किसी के लिए, यदि वो कोरोना ग्रसित हो या किसी अनेक प्रकार के समस्या में, अपने कोई घनिष्ठ मित्र या कुछ ऐसा व्यक्ति जिसे हम लोग बहुत पसंद करते हैं, उसके दुख में जब हम लोग शामिल होते हैं, सुख में शामिल होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि यदि वह दुखी है तो प्रार्थना करते हैं बोझ से भरकर। उसी प्रकार जब हम लोग किसी के विषय में जान गए, चाहे वह व्यक्ति हमें कोई बोले या ना बोले, जब प्रार्थना बैठते हर एक के लिए प्रार्थना करना है और यही चाहना है कि वह इस महामारी से छुटकारा पाए। यदि परिवार में लोग मृत्यु को प्राप्त किए हैं तो जो बच गया है उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि जिस प्रकार हम अपने लिए या अपनों के लिए, जिनको हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे निकट के भला चाहते हैं, उसी प्रकार दूसरों के लिए भी सबके लिए करना है, क्योंकि परमेश्वर ने सबों को अपने स्वरूप में बनाया है। हमारे लिए इस संसार में अद्भुत अनुभव होता है पारिवारिक जीवन का। हमारा जब जन्म होता है संसार में, तब हम लोग जब बड़ा होने लगते हैं तो हमें बताया जाता है रिश्तों के विषय में कि तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे माता है, तुम्हारे भाई बहन या परिवार का लोगों की चर्चा, सबों के साथ ऐसे ही होता है। और उसके साथ हम पाते हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हो जाते हैं, वो हमारे भाई बहन, माता पिता इत्यादि होते हैं, और जो कुटुंबी नहीं होते हैं, रिश्तेदार, वे हमारे पड़ोसी या अनजान व्यक्ति है, जैसा भी हो सकते हैं। यदि वह व्यक्ति भी हमारे परिवार में परमेश्वर के द्वारा जन्म लेता तो हमारा भाई होता या फिर परिवार का अन्य सदस्य होगा। तो क्या कोई दूसरे परिवार में जन्म ले तो हम उसे सोचे कि वह तो अलग है? परमेश्वर हमारे अंदर प्रेरणा डालता है एक दूसरे से प्रेम रखें। तो जब हम बोझ से भरकर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग हर एक के लिए प्रार्थना करें। यदि हम अपनों के लिए, जिसको हम अपना मान के चले, उनके भले के लिए कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर चाहता है हम सबके लिए मांगे, क्योंकि यह वचन में साफ लिखता है, ख्रिस्त की शिक्षा है कि जैसा यीशु ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो कि लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसमें हम सबों को पढ़ना है ताकि ख्रिस्त का स्वभाव हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। परमेश्वर के मार्ग पर हम जब बढ़ रहे हैं तो यह एक तरफा नहीं कि हम केवल प्रयास करें कि ईश्वर के स्वभाव बढ़े, परंतु बाइबल के वचन पाते परमेश्वर स्वयं चाहता है कि उसके दिल डॉलर बढ़े। हर एक ख्रिस्त विश्वासी को परमेश्वर चाहता है कि वह ख्रिस्त के स्वभाव बढ़े। पवित्र आत्मा इसमें हमारी अगुवाई करता है और हम सबों को प्रभु में अपने आप को सौंप देना है
कि उसमें होकर बढ़े और बढ़कर चलते जाए। आगे वचन में लिखता है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हमें सेवा में बढ़ना है कि लोग जो हमारे संपर्क में रहते हैं या जिनके साथ हम संपर्क कर सकते हैं, यदि हमारे पास कुछ संसाधन हो किसी भी रूप से, चाहे अच्छे सलाह के द्वारा, अच्छे बोली के द्वारा, आर्थिक रूप से या उसके हिम्मत बढ़ाने के द्वारा या अन्य रूप से, अवश्य सेवा करना है, ताकि जब हम सेवा करें तो परमेश्वर की इच्छा प्रकट होने पाए। परमेश्वर हम सबों को अपनी पवित्रता में बुलाकर रखा है। हमारे लिए लक्ष्य दिया गया है कि जब संसार को छोड़ें, जीवन के उस मुकुट को पाए जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए ठहराया है। परंतु जब तक ये संसार पर है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वभाव में बढ़ते चले जाए। आज जितने लोगों हम जीवित हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस पृथ्वी पर एक और दिन दे दिया है। हमें अपने आप को टटोल कर देखना है, क्या हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? क्या यदि हमारी आज मृत्यु हो जाए तो क्या हम अपने सृष्टिकर्ता के सम्मुख खड़े हो सकेंगे? उसकी पवित्रता के सम्मुख अपने आप को टटोल कर देखना है। परमेश्वर का आत्मा हर एक से बातें करता है और वह हमारे हृदय में प्रकट करता है कि हम लोग अपनी दशा को समझ पाए, कि हम लोग परमेश्वर के मार्ग के अनुसार सही चल रहे हैं या उससे भटक रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक कोई परमेश्वर के राज में रहे, हर एक कोई। और इसलिए मसीह में प्यार अपने आप को टटोल कर देखना है। हम अपने प्रियों के मृत्यु पर दुखी हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इससे ज्यादा दुखी होगा जब हम लोग परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर सनातन के लिए दुष्टता के हाथ में अपने आप को सौंप देंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग दुष्टता की ओर नहीं, परंतु ख्रिस्त के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु कि आज किस दिन तुमने हम सबों को लाया है। हे पिता, हमारी सहायता कर कि दिन प्रतिदिन तेरे मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं, और पिता जब इस संसार को छोड़े तो प्रभु तेरे गोद में सभी को पहुंचने पाए। हे पिता, इसमें तो हम सबों की सहायता कर कि तेरी पवित्रता में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक मन और अंतकरण की रक्षा करे अब से सदा हो, आमीन। हम लोग आराधना के क्रम में साक्षीवाणी से तीसरा गीत गाएंगे, गीत संख्या 67। ख्रीस्त स्वर्ग पर चढ़ गया है, सो मैं दृढ़ आसरा करता कि उसके पीछे आऊं मैं इससे धीरज धरता। साक्षीवाणी गीत संख्या 67।
पढ़ ली उठे। कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल चुका है और पूरे विश्व की स्थिति बहुत ही गंभीर, दयनीय और सोचने जनक है। आज हम लोग विपरीत परिस्थितियों के बीच में अपना जीवन को जीने पर विवश है। चर्चेस बंद है और इसलिए हम लोग आज के पवित्र दिन में मिलकर विशेष धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा हम लोग अपने अपने घरों में होकर परमेश्वर के वेदी को स्मरण और अनुभव करते हुए परमेश्वर के दानों को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्रेम को हम लोग अनुभव करेंगे और विभिन्न विषयों के लिए पिता परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देंगे। तो हम लोग अगुवाई के लिए वचन सुने और वो हम लोगों को मिलता है भजन संहिता, भजन नंबर 103, पद संख्या 1 से 3 पद तक। भजन संहिता 103, पद संख्या 1 से 3। परमेश्वर का वचन यूं हमें मिलता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, सारा आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको देते हैं जो आपने हमारे जीवन में किया है। आपने हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, आत्मिक, लौकिक जीवन में आशीष दिया है। इस जीवन की यात्रा में हमें आगे बढ़ाया है। विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपने हमें अपने सामर्थी हाथों में संभाला है, हमें अपनी वचन तले संभाला है, हमारे जीवन पर दया दृष्टि और सुधि लिया है। और इसलिए आज हम मंडली और कलिशा होकर विशेष धन्यवाद की प्रार्थना को करने पाते हैं। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक के धन्यवादी मन, हृदय और भेंटों को ग्रहण कर विशेष प्रार्थना और निवेदन करते हुए हम इस समय उन भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं जो कोरोना वायरस के कारण वे अपना जीवन को देखते हैं। अस्पतालों पर वे एडमिट है और कुछ लोग जो अपने घरों में है, कोरोना वायरस के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बीमारी एक मनुष्य पर हावी हो चुका है और बहुत सारी बीमारी एक मनुष्य को जकड़ा हुआ है। हम सभी प्रकार की बीमारी से ग्रसित लोगों को आज आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं।
आपका वचन कहता है मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। आज हम लोग एक चित एक मन होकर उन सभी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं जो इस समय नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। यीशु मसीह के लहूलुहान हाथों के स्पर्श के द्वारा आप उन्हें छुए ताकि वे शारीरिक चंगाई को प्राप्त कर सके, आपकी स्तुति महिमा कर सके। जितने भी लोग जो अस्पतालों में हैं, उन्हें तू आशीष दीजिए ताकि वो जल्द चंगे हो जाए और प्रभु को धन्यवाद दे सके और अपने घरों तक पहुंच सके। जितने भी लोग आपको पुकारते हैं उनकी प्रार्थना को सुन। जितने भी डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मी जो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें भी तू सद्बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर ताकि वो आप पर विश्वास करते हुए जीवन में आगे बढ़ सके और लोगों की सुधि ले सके, लोगों की सेवा कर सके और इसके द्वारा बहुत सारे भाई बहन बचाए जा सके जो घरों में हैं, उनकी भी सहायता कर, उनके दवाओं पर भी आशीष दे, सेवा करने वाले उन हाथों को भी आशीष दे ताकि वे भी आप ही की स्तुति और महिमा करने वाले हो पाए। पिता परमेश्वर, हम पुनः कोरोना वायरस से ग्रसित हर एक लोगों को आपके पवित्र हाथ में अर्पण करते हैं। उन्हें जल्द से जल्द तू चंगाई को दे ताकि वो अपने अपने घरों में स्वस्थ रूप से पाए जा सके और प्रभु को विश्वास में आगे बढ़ा सके और प्रभु जी आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो पाए। पिता परमेश्वर, इस समय हम लोग धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, उन भाई बहनों को आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं जो इस समय कोरोना वायरस के कारण अपनों से बिछड़ गए। ऐसे हमारे भाई बहन हैं, हमारी मंडली और कलिशा के लोग हैं जो कि कोरोना वायरस के कारण इस संसार से विदा हो गए हैं। बहुतों ने अपने माता पिता को, भाई बहनों को, जवान भाई बहनों को, बच्चों को खोए हैं। उन लोगों पर तू विशेष आशीष दे ताकि वे इस दुख और दर्द में भी पिता आपको महिमा दे सके, क्योंकि आपका वचन हमें कहता है जिस प्रकार से इस संसार में लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, और आपका वचन भी हमें बतलाता है कि रोते और बिलखते तो वे लोग हैं जिनके पास पुनरुत्थान और जीवित आशा नहीं, लेकिन आज हम लोग छुटकारा प्राप्त किए हुए लोग हैं, बचाए हुए लोग हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले लोग हैं, और इसलिए पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों ने अपने लोगों को खोया है और इस समय वे शोक की दशा में पाए जाते हैं, उस शोक के परिवार को आपके पवित्र हाथ में अर्पण करते हैं। आपका वचन बतलाता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है। पिता परमेश्वर, आप उसी चिरस्थाई घर में रहने के लिए आपने उन भाई बहनों से प्रेम किया और मृत्यु के द्वारा अपने पास बुला लिया, और इस कारण आज भाई बहन प्रभु आपको धन्यवाद दे पाते हैं। आज प्रियों के चले जाने के कारण बहुत सारे परिवार के लोग अनाथ हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में अशांति पाई जाती है। आप अपनी शांतिदायक वचन हर एक शोकित परिवार के जीवन में दे, उसे हिम्मत और हौसला दे, उसे विश्वास में दृढ़ता और निश्चयता के साथ आगे बढ़ा और उनके विश्वास में तो ऐसा आशीष दे ताकि वो पढ़ सके, हमेशा आपकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पाए और वे अय्यूब के विश्वास के साथ उच्चार सके, जिस प्रकार से अय्यूब ने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहने लगा कि मैं माँ के गर्भ से नंगा निकला और इस संसार से नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। उसी प्रकार से हर एक शोकित परिवार परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हो सके और कह सके कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है।
पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे परिवार के लोग जो इस संसार से विदा हो गए हैं और उनके परिवार में जो खालीपन आ गया है, उस खालीपन को आप अपनी वचन और शांति से भर दे, ताकि प्रत्येक लोग प्रभु को पुकार सके, प्रभु की स्तुति महिमा कर सके, प्रभु के वचन पर विश्वास कर सके और उनके अनुग्रह तले अपना जीवन को व्यतीत करने वाले हो पाए। पुनः हम हृदय से, संपूर्ण मन से उन शोकित परिवारों को आपके पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं। आप अपने वचन से उन्हें कह कि मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। पिता परमेश्वर, पुनः आप अपने वचन के द्वारा शोकित परिवार को संभाल और जीवन में आगे बढ़ा। पिता परमेश्वर, इस समय हम लोग विशेष प्रार्थना करते हुए उन भाई बहनों को, उन प्रिय लोगों को, उन परिवारों को आपके हाथ में अर्पण करते हैं, जो कि बीते हुए दिनों में कोरोना वायरस के कारण अस्पतालों पर एडमिट थे। बहुत सारे लोग जो अपने घरों में थे, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में मृत्यु को देखा, बहुत सारे लोगों ने संकट और विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन को व्यतीत किया। बहुत सारे लोग जो अस्पतालों में थे और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुआ, ऑक्सीजन की घटी कमी हुआ, लेकिन आपने बहुत ही अद्भुत ढंग से हमारी मंडली कलिशा परिवार के लोगों को आशीष दिया और अद्भुत रूप से उन्हें बचा लिया है। आज हम धन्यवाद देते हैं। उन परिवार के लोग आपकी निकट आते हैं, आपके पवित्र वेदी की निकट आते हैं, जिनके जीवन को आपने मृत्यु के तरंगों से होकर बचाया। जितने भी भाई बहन जो कोरोना वायरस से ग्रसित थे, आप उन्हें बचा लिए हैं, उनके जीवन में शारीरिक चंगाई को दिए हैं। और भाई बहन जो कि अस्पतालों से अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं, और वे प्रभु को रो रो करके धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उनके जीवन में बहुत बड़े काम को किए हैं। पिता परमेश्वर, उसी प्रकार से जिस प्रकार से दाऊद जो फिलिस्तीनों के हाथों में गिर चुका था, उस संकट में परमेश्वर आपको दाऊद पुकारता है और आपने उन्हें बचाया, तो उसी प्रकार से जितने भी कोरोना वायरस से लोग ग्रसित थे, वे लोग प्रार्थना किए, आपको दुहाई दिए, आपको पुकारे, आपने उनकी सुधि ली और समय की परिपूर्णता में हर एक लोगों को अद्भुत रीति से आपने जीवन दान दिया, अद्भुत रीति से उसे मर मृत्यु से बचाया, उनके जीवन में शारीरिक चंगाई को दिया और आज वो परिवार प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आप ही के निकट आते हैं, क्योंकि आपने उनके जीवन में गवाहियों को दिया है। और इसलिए पिता, हम उन लोगों को आपके हाथ में विशेष रूप से सौंपते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी जंग को विजय के रूप में प्राप्त किया, कोरोना वायरस से भी लड़ते गए और उनका प्रतिफल जीत के रूप में पाया गया है। और इसलिए आज उस परिवार के लोग जो कोरोना वायरस से बचाए गए, आज जो कोरोना वायरस से जीत चुके, आज वे लोग जश्न मनाते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रत्येक के धन्यवादी मनों को तू ग्रहण कर और उनकी सहायता कर, ताकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके, उनकी सारी दुर्बलता, सारी कमजोरी को दूर कर दे और उनकी सुधि और अगुवाई ले। पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवाद देते हमारे सुंदर मंडली के लिए, हमारे कलिशा के लिए, और इस समय हमारे कलिशा को चलाने का एकमात्र दान है और वे दान हमारे भाई बहनों की ओर से आता है। पिता परमेश्वर, हर एक लोग जो स्वेच्छा से हर्ष के साथ आपकी मंडली और आपकी कलिशा के लिए दान अर्पित करते हैं, उन दानों को तू ग्रहण कर, तू उसे आशीष दे,
ताकि उन भेंटों के द्वारा हमारी मंडली और कलिशिया अच्छी तरह से चल सके और जितने भी लोगों ने दान के द्वारा प्रभु की सेवा करते हैं उनके भंडार हमेशा भरे रह सके, कोई भी भली वस्तु की घटी और कमी ना हो पाए। पिता परमेश्वर, हम लोग जाने अनजाने बहुत सारे पापों को करते हैं और परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं, लेकिन तू हम सबों को अपनी लाठी और सोटे से मार, ताकि हम लोग जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ सके। और इस समय जब प्रभु के वचन को हम लोग इस संसार में होता हुआ देख रहे हैं और इन संकेत के द्वारा हम स्मरण कर पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है और इस आगमन से पूर्व बहुत सारे चिन्ह और संकेत को हम लोग देख पाते हैं, और इसलिए आज हम सबों को तो ऐसा अवसर दे, हम सबों को ऐसा समय दे, ताकि हम लोग शारीरिक मानसिक आत्मिक रूप से तैयार हो सके और अपने अपने पापों से घृणा कर सके और हम लोग बचाए जा सके, हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर हमारे अपराधों का लेखा जोखा ना ले, हमारी सुधि ले, हमारे जीवन पर अपने प्रेम को दे, ताकि हम आप ही की स्तुति और महिमा करने वाले हो पाए। हम लोग जाने अनजाने मन वचन या कर्म के द्वारा जितने भी पाप दोष अपराध किए हैं सारे अपराधों को मानते हैं और यह दीन निवेदन प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले, आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियनी कलिसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारे कलिशाय सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल, सीआरसी और कलिशा की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। हमारे जगत के लूथरन कलिसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्टीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलिसिया के सब भाई बहनों की सहायता कर लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे इस प्रेम भय और भरोसा में बढ़ते जाए। कलिशा के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलिशा के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सो विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारे कलिशा के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी विनती करते हैं जो इस मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्याला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में
ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महातम सदा तेरी ही है। आमीन। त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी को ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। Thank you.
फिर से लिखा है वचन में, तू आएगा फिर से लिखा है वचन में, ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ।